नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के बारे में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है IRCTC के बारे में कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट इसके 10 जुलाई को आने वाले हैं, तो इसलिए हम ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं कि इसमें हम IRCTC के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। IRCTC का रिजल्ट कैसा आ सकता है, डिविडेंड उसमें कैसा दे सकता है, तो डिविडेंड और रिजल्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ साथ IRCTC के लेवल्स और टारगेट के बारे में बात करेंगे कि आपको किस लेवल और टारगेट पे आपको बाय करने चाहिए IRCTC। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखते हैं बोर्ड मीटिंग में 10 जुलाई 2020 ऑडिटेड रिजल्ट एंड फाइनल डिविडेंड। तो एक बार इंटरिम डिविडेंड दे चुका है IRCTC, और इस बार जो फाइनल डिविडेंड देगा और जो ऑडिटेड रिजल्ट आएगा एनुअल रिजल्ट वो पब्लिश करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं डिविडेंड कितना दे सकता है। पिछले बार 10 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया था IRCTC ने, तो एक बेहतरीन डिविडेंड आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से IRCTC है। अभी है तो अभी आपको IRCTC बाय करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के आगे। उसके बाद हम वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं। तो IRCTC का जो वैल्यूएशन है देखते हैं 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 का PE है, जो कि इंडस्ट्री के PE से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये बिजनेस मोनोपोली वाला बिजनेस है IRCTC का। उसके बाद यहाँ पर बुक वैल्यू देख सकते हैं 66 का है। उसके बाद मार्केट लॉट जो भी यहाँ पर देखना है, अर्निंग पर शेयर 26 रुपीज़ का, तो यहाँ पर सारी चीज़ आपने देख लिया। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से 20 गुना पर है IRCTC, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो मोनोपोली क्रिएट करता है, इसी कारण से अपने बुक वैल्यू से ये काफ़ी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है IRCTC। ये तो 2,000 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था, अभी तो आपको 1400 से भी नीचे के प्राइस पर मिल रहा है, देखते हैं 1,390 रुपीज़। उसके बाद इसके बैलेंस शीट को हम देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट पर डेप्ट फ्रीज कंपनी है, तो बैलेंस शीट तो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देखते हैं रिजर्व 907 करोड़ का, तो काफ़ी बेहतरीन है, रिजर्व में काफ़ी मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद लोन और एडवांसेस यहाँ पर देखते हैं 0 है, कोई भी लोन कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके बाद आप डेप्ट तो आपने देख ही लिया 0 है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन 0 है। उसके बाद नीचे चलते हैं कैश और बैंक बैलेंस, 1140 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। उसके बाद और नीचे चलते हैं तो देखते हैं टोटल एसेट कंपनी का 1,000 करोड़ का है, बुक वैल्यू कंपनी का काफ़ी डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखते हैं बुक वैल्यू पहले काफ़ी बेहतरीन था, 236 का बुक वैल्यू था, अभी मात्र 66 का है, तो बुक वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हुआ है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं, जो अर्निंग पर शेयर है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन एसेट है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज़ का, उससे पहले था 55 रुपीज़, देखते हैं 55 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था मार्च 19 से पहले, मतलब मार्च 18 तक। तो मार्च 19 से क्यों घटा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर है काफ़ी अधिक हो गया, क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट में, तो काफ़ी यहाँ से कैपिटल रेज किया, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर काफ़ी डिक्रीज हुआ। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 28% का, 28%, ऐसे ऐसे बहुत कम कंपनी आपको मिलेगी जो कि लार्ज कैप कंपनी हो और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 28 का हो। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 38 और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं लगातार हर ईयर इंक्रीज हो रहा है ये। रिटर्न ऑन एसेट ये भी काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन एसेट 10% से भी ज़्यादा, डेब्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0, तो हर चीज़ इन्वेस्टर के फेवर में है। तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको मिले किस लेवल पर और प्राइस पर, तो आपको निश्चित बाय करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से हम जानेंगे किस प्राइस पे आपको बाय करनी चाहिए, कौन सा प्राइस हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम जीरोधा के वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम IRCTC के लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो अगर आपने जीरोधा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए, जीरोधा में अकाउंट अभी ओपन कीजिए, काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये आपके डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं लेता है और ट्रेडिंग में मैक्सिमम चार्ज पर ऑर्डर आपका 20 रुपीज होगा, काफी बेहतरीन है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन देंगे लिंक से अभी अकाउंट ओपन कीजिए। तो IRCTC का जो यहां पर देख सकते हैं जो RSI है मात्र 48 का है, मतलब RSI आपको बाय करने का सिग्नल देता है। वहीं बात करें तो मूविंग एवरेज का 100 डे का जो मूविंग एवरेज है वो आपको
1300 से नीचे है। 100 डे का मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी ज्यादा दिन इसका नहीं हुआ है। तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 डे का, उससे स्टॉक्स काफी ऊपर है, मतलब 100 डे का मूविंग एवरेज काफी नीचे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये स्टॉक्स में करेक्शन आता है और 100 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, निश्चित है कि इसमें एक ज़बरदस्त फॉल आपको देखने मिल सकता है। मतलब उसके बाद जो आपको 1100 है उसके नीचे का प्राइस या कहें 1000 के लेवल के प्राइस पे आता हुआ आपको दिख सकता है। तो IRCTC में अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना लिए हैं तो आपको क्वार्टर फोर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। क्वार्टर फोर का रिजल्ट कंपनी का कैसा आता है, अगर कंपनी क्वार्टर फोर रिजल्ट अच्छा पेश करती है तो आपको यहां से मोमेंटम आगे की ओर देखने भी मिल सकता है। तो फिर ये यहां से 1600 तक के लेवल को टच कर सकता है। तो ये रिजल्ट पर निर्भर है। तो रिजल्ट जैसे आता है 10 जुलाई को हम तुरंत आपको रिजल्ट का अपडेट देंगे कि IRCTC का रिजल्ट कैसा रहा। अब चलिए हम इसके लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात कर लेते हैं, उससे पहले सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है वो है आपका 1340 रुपये के आसपास। पहला सपोर्ट लेवल है 1340, 1330 के आसपास, 1340। उसके बाद अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो 1200 इसका सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है। 1200 इसका सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर 1200 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें एक फ्री फॉल आ सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि ये 1200 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि इसका रिजल्ट जो है क्वार्टर फोर का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ना आ जाए। तो समझ गए आप कि 1330 के आसपास इसका पहला सपोर्ट लेवल है, दूसरा इसका 1200 मेजर सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC का जो अभी करंट प्राइस है 1390 रुपीज़ और आज 7 रुपीज़ ये डाउन है। मतलब अभी भी ये 1400 के आसपास के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देखिएगा वन मंथ में ये काफ़ी डाउन है। वन मंथ में आपको 6.92% का गिरावट आया है इसमें। सिक्स मंथ में देखते हैं तो सिक्स मंथ में यहां से देख लीजिए आप, सिक्स मंथ में 51% का अभी भी अप मूव है। मतलब 50% का तेजी अभी भी है सिक्स मंथ में, मतलब रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को सिक्स मंथ में। ईयर टिल डेट में बात करें तो ईयर टिल डेट में देख लेते हैं तो ईयर टिल डेट में 47% का रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर को। उसके बाद वन ईयर की बात कर लेते हैं तो वन ईयर में अभी 91% का रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर को। फिर मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो मैक्सिमम ईयर में देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम ईयर, तो मैक्सिमम ईयर 78% का रिटर्न दे रहा है मैक्सिमम ईयर में। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो आपने देखा कितना बेहतरीन स्टॉक्स है, अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद ये 78% का रिटर्न दे रहा है वन ईयर में। मतलब जब से ये लिस्ट हुआ है तब से बात करें तो अभी 2019 के अक्टूबर में लिस्ट ही हुआ है, तो अभी तक में ये 78% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। उससे गिरावट से पहले की बात करें तो गिरावट से पहले ये 147% का रिटर्न दे रहा था, तो वहाँ से 50% का फॉल आया है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके लेवल्स का। तो लेवल्स आपने देख लिया कि जो 1300 है वो आपका पहला लेवल है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है उसके बावजूद तो इसमें 1300 के लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। अगर रिजल्ट ख़राब आता है तो आपको फिर 1200 के नीचे का लेवल्स का वेट करना चाहिए, 1100-1000 के लेवल का। तो अगर इस लेवल पाता है तब आप IRCTC में क्या करेंगे, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी आगे निश्चित नहीं है कि हमारा जो रेलवे है वो अपने नॉर्मल मोड में कब स्टार्ट होगा। हो सकता है हम इस पूरे साल जो नॉर्मल मोड में नहीं आ सकें, मतलब जो पब्लिक है जिस तरह से चलती थी पहले उस तरह से चलने लगे रेलवे में, तो ऐसे में आपको IRCTC के प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आएगा क्वार्टर वन के रिजल्ट में भी, और क्वार्टर फोर का भी रिजल्ट खराब आता है तो फिर आपको इसमें 1000 के नीचे का लेवल का वेट करना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको 10 शेयर बाय करना है तो 2 शेयर बाय करेंगे पहले 1100 के लेवल पर, उसके बाद भी अगर आपको गिरावट में मिलता है तो फिर 1000 के लेवल पर 2 शेयर। इस तरह से आपको गिरावट में SIP मोड में बाय करनी चाहिए। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो आने वाले हैं 10 जुलाई को, उसका वेट कीजिए। हम 10 जुलाई को इसके रिजल्ट को लेकर के आएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।